अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अभी डोजी काफ्री डॉट के प्लेटफॉर्म पर आपको खुश आमदीद कहता हूं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूं डॉक्यूमेंट सर्वर के बारे में। फोटो कॉपियर में आपकी हार्ड डिस्क क्या काम करती है और कहां पर उसको लगाया जाता है और उसके क्या क्या फंक्शंस हैं। आप देखते होंगे कॉपियर के पैनल पर एक आइकन होता है जिसको हम डॉक्यूमेंट सर्वर कहते हैं। कई दोस्तों ने हमें कमेंट्स में पूछा है कि डॉक्यूमेंट सर्वर क्या चीज़ है और उसके बारे में हमें बताएं। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डॉक्यूमेंट सर्वर के बारे में। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा कॉपियर डॉट पी पे। वीडियो देखने से पहले आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलते रहे। जी दोस्तों, ये आपके सामने 301 मशीन है, MP301 रिको की मशीन। इसमें आप देखें डॉक्यूमेंट सर्वर शो नहीं हो रहा, बाकी आइकन शो हो रहे हैं, प्रिंटर, स्कैनर, फैक्स और कॉपियर शो हो रही है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पर हम हार्ड डिस्क को इंसर्ट करेंगे। कवर खोल लीजिए आप सबसे पहले। आपको काम करने का फॉर्मेट पता ही है कि हम जो चीज़ सबसे पहले ओपन करेंगे वो सबसे लास्ट में क्लोज होगी और जो सबसे लास्ट में ओपन करेंगे वो सबसे पहले क्लोज होगी। तो हम बैक कवर को ओपन करते हैं। रिको की तमाम मशीनें 301 या 2501, इसके अलावा अदर मशीन्स जितनी भी हैं, सब में हार्ड डिस्क और डॉक्यूमेंट सर्वर का जो है वो हम लोग नॉर्मली जो यूज़ करते हैं यूएसबी प्रिंटिंग सपोर्टेड है हार्ड डिस्क से रिलेटेड। हार्ड डिस्क मशीन में होगी तो यूएसबी से डायरेक्ट फ्लैश से हम डायरेक्ट प्रिंट ले सकेंगे। नॉर्मली लोगों का सवाल होता है कि इसके अंदर ऑलरेडी स्कैनर है तो स्कैनर के डॉक्यूमेंट्स सेफ़ नहीं होते, तो क्योंकि वो डिपेंडेंट होते हैं हार्ड डिस्क पर, इसलिए वो सेफ़ नहीं होते। जब हार्ड डिस्क मशीन के अंदर होगी तो वो डॉक्यूमेंट्स को सेव करेगा, अदरवाइज डायरेक्ट स्कैनिंग आप कर सकते हैं लेकिन वो उसको सेफ़ नहीं करेगा। हार्ड डिस्क के लिए छोटा सा बोर्ड आता है, पहले आप इसको लगा लें। और चूँकि हमने ये 301 ओपन की हुई है तो इसके अंदर जो लगाने का तरीका है हम वो आपको बता रहे हैं। बाकी मशीन्स में भी हार्ड डिस्क लगी हुई होती है, अगर नहीं लगी हुई तो इसको इस तरीके से मुख्तलिफ मशीन्स में मुख्तलिफ तरीक़ों से लगाई जाती है। तो हमारे यहाँ जो है वो मैं आपको ये हार्ड डिस्क का बोर्ड लग गया, अब हम इसके अंदर हार्ड डिस्क लगाएंगे। हार्ड डिस्क जो नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं वो 10 GB से लेकर और 40 GB, 80 GB, 320 GB मुख्तलिफ जो भी आती है मशीन्स के साथ। जितनी भी मशीन्स हैं हमारी, अब जो नए लेटेस्ट मॉडल आ रहे हैं उसमें 9000 तक डॉक्यूमेंट सेव करने की कैपेबिलिटी होती है और इससे ज़्यादा डॉक्यूमेंट सेव नहीं हो सकते। चाहे 1 TB भी लगा लें आप तो 9000 पेजेस ही वो स्कैन करके सेव करेगा अपने। डॉक्यूमेंट स्कैनिंग का मैं आपको एक बता दूं कि डॉक्यूमेंट स्कैनिंग जो हम लोग करते हैं, कोई भी बुक आती है स्कैनिंग के लिए या फोटोकॉपी के लिए, और उसको स्कूल्स कॉलेजेस की जो बुक्स होती हैं वो बार बार आपके पास फोटोकॉपीज़ होने के लिए आती हैं और आप उसको बार बार कॉपीज़ को स्कैन करते हैं फिर प्रिंट करके देते हैं। तो डॉक्यूमेंट स्कैनर का फ़ायदा ये है कि आप उसको वन टाइम उसको स्कैन कर लें और उसको सेव कर लें डॉक्यूमेंट सर्वर में। जब आप सेव कर लेंगे तो जब आपको ज़रूरत होगी आप उस फाइल को ओपन करें और उसको स्कैनिंग को ओपन करें और उसके बाद उसकी प्रिंटिंग आप कर लें, आपको दोबारा से स्कैनिंग वाली एक्सरसाइज में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चूंकि इस मशीन में फैक्स कार्ड पहले से लगा हुआ था तो इसलिए हम दोबारा इस फैक्स कार्ड को लगा देते हैं। फैक्स कार्ड भी ऑप्शनल है, ब्रांड न्यू मशीनों के साथ तो ऑप्शन में ही आता है। चूंकि ये हमारी यूज़ मशीन है तो इसमें पहले से ही इंसर्ट है।
जी दोस्तों, आपके सामने ये डॉक्यूमेंट सर्वर शो हो गया। अब यहाँ से हम डॉक्यूमेंट सर्वर को ओपन करते हैं और यहाँ पर एक पेपर को स्कैन करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह फाइल जनरेट होकर ऑटोमेटिकली डिस्प्ले पे आ जाती है। ये देखिए, मैंने डॉक्यूमेंट्स रखा, उसको स्कैन किया, स्कैन करने के बाद ये फ़ौरन से एक फ़ाइल जनरेट हो गई है कॉपी 4 के नाम से, ठीक है जी। और फिर उसके बाद आप ये देखिए फाइल है, इसको मैं ओपन करता हूँ और प्रिंटिंग के लिए इसके बटन को प्रेस किया, ट्रेस सेलेक्ट की और ये मैंने प्रिंटिंग का ऑप्शन ऑन कर दिया। और अब इस वक्त जो फाइल मैंने सेव की थी उसकी प्रिंटिंग आपके सामने जी। आप जब चाहें कोई भी फाइल सेव करें और उसको जब चाहें प्रिंट कर सकते हैं जी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। copyo.tk के प्लेटफॉर्म से इस तरह की आपको वीडियो मिलती रहेंगी और इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती रहेगी। आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलते रहे। copyo.tk से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।